तो बच्चों, कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और इसकी सहायता से मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं और उनकी आबंध कोटि बॉन्ड आदि कैसे निकाला जाता है, आज हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं कि सन 1932 में एफ होंड एंड आर एस मुल्कन ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत को विकसित किया था, और ये सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं। इन बिंदुओं को ही आप ध्यान में रखना, और बिंदुओं को ध्यान में रखने के बावजूद जो है आप जो है पूरे सिद्धांत को रिकवर कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि लगभग समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इसमें आणविक कक्षक होंगे, परमाणु कक्षक होंगे समान ऊर्जा वाले, और वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, आणविक कक्षक बनाएंगे, यानी परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक का निर्माण होगा। सेकंड पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार भरे जाते हैं जिस प्रकार मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, यानी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, हम कह सकते हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार भरेंगे जिस प्रकार हम एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे, यानी इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है वह सेम होगा। नेक्स्ट है, समान ऊर्जा और विन्यास वाले एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा और विन्यास सेम हो, वही कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, उन्हीं की ओवरलैपिंग से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जैसे कि 1s ऑर्बिटल जो है 1s ऑर्बिटल के साथ ही संयोग करेगा, ना कि 2s के साथ। 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के साथ कभी भी संयोग नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही होती है, यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोजन से दो प्रकार के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब संयोग करेंगे आपस में तो दो प्रकार के ऑर्बिटल बनेंगे, एक जिन्हें कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक ये कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होंगे, इनकी ऊर्जा कम होगी इसीलिए इन्हें नीचे की तरफ लिखेंगे, और दूसरे होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा अधिक होगी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम अधिक ऊर्जा होने के कारण ऊपर लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है ठीक उसी प्रकार भरे जाते हैं जिस प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते हैं, जैसा कि अभी हमने बता दिया है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सेम एटॉमिक ऑर्बिटल के समान ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे और फिर उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे फर्स्टली हम एग्जाम्पल करेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो डायटॉमिक अणु या द्वि परमाणु कणुओं आबंधन किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन अणु धनायन। हाइड्रोजन अणु धनायन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड कैटायन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और इससे किस प्रकार मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2 धनायन है। कितने धनायन हैं इस पर? एक धनायन लगा है। H2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितने H हैं? 2H हैं। 2H आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक हाइड्रोजन अणु दो मिलकर के हाइड्रोजन परमाणु H2 और H2 मिलकर के हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, और इसमें एक पॉजिटिव है, यानी एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिस हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1, और जिस पर इलेक्ट्रॉनिक अब्सेंट है धनायन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s0। 1s1 और 1s0 ये क्या है? ये हमारे हो गए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इस साइड लिख लेंगे, एक ऑर्बिटल हमारी एटॉमिक हो जाएगी 1s, और 1s ऑर्बिटल को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1s1 है एंड सेकेंड इज 1s0। 1s0 ऑर्बिटल ड्रा कर लेंगे। अब ये क्या हो गई हमारी? इन्हें हम कहेंगे परमाणु कक्षक,
या एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच प्लस एटम, जे एच पॉजिटिव एच कैटायन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पास आएंगी और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कितनी हैं, दो हैं, तो दो हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी एंड सेकेंड बनेगी। यहाँ पर इस ऑर्बिटल को कहेंगे हम सिग्मा वन एस ऑर्बिटल और जो सेकेंड है वो एंटी सिग्मा वन एस ऑर्बिटल। और सिग्मा वन एस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है इसीलिए इसे हमने नीचे की तरफ लिखा है, एंटी सिग्मा ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है तो इसको हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया है। और इन ऑर्बिटल को जो है आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन अणु का MOT स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, इन ऑर्बिटल का हम नाम भी चलो लिख दे रहे हैं, जो हो गए हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक किसका ऑफ H2 कैटायन, H2 धनायन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की बात आती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारी हाइड्रोजन एटम की है, तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर वन, तो इसमें वन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ज़ीरो, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम इस तरीके से जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर देंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, तो निम्न ऊर्जा स्तर हमारी सिग्मा बने से, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टोटल, तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी उसका स्पिन ऊपर की तरफ रहेगा और भर देंगे। तो इस तरीके से हमारा H2 कैटायन का जो है आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 NV माइनस NA, जहाँ NV क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड NA इज अ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 करेंगे 1 बचेगा, या इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आई है, तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1/2 आया है, तो इसे निष्कर्ष निकलता है क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव आई है किस तरीके की है, धनात्मक है या धनायन, बॉन्ड ऑर्डर धनात्मक है, तो बॉन्ड ऑर्डर धनात्मक है तो कह सकते हैं कि अतः H2+ स्थाई होगा, H2+ और जो है स्थाई होगा, लेकिन इसकी आवंध कोटि कम है, एक से कम है, कम है, अतः कम स्थाई होगा, यानी स्थाई तो होगा लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। सो दैट क्या होगा, तो इसलिए यह पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय अणु होगा एच टू प्लस आयन। तो इस तरीके से हम बॉन्ड आयन निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये तो एच टू प्लस आयन का एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिथियम मॉलिक्यूल। तो लिथियम मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? लिथियम मॉलिक्यूल में लिथियम के कितने एटम हैं? दो। दोनों एटम को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि एक लिथियम एटम Li और दूसरा लिथियम एटम Li। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लिथियम का तो हो जाएगा 1s2 और 2s1। सेम इसी तरीके से दूसरे एटम का करेंगे तो अब हो जाएगा 1s2 एंड 2s1। तो इसके जो है अब हम मॉलिकुलर डायग्राम बनाएंगे। एटॉमिक डायग्राम कितने हैं? 1s2 है, 2s1 है। तो सबसे पहले हम दोनों एटम के लिए जो है 1s2 के डायग्राम बना लेंगे। तो कहने का मतलब एक हमारा है 1s2, दो लिथियम एटम है, तो दो हम लिथियम एटम लिख दे रहे हैं। इधर हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी है? ऑफ लिथियम एटम की, लिथियम परमाणु की, परमाणु कक्षक है। और इधर जो है जो दूसरा लिथियम एटम है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। तो 1s2 की जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हम बना लेंगे इस तरीके से, दूसरे की बना लेंगे सेम टाइप से। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी यानी ये दोनों जो है ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी। तो आपस में मिलेंगे ऑर्बिटल तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो इनकी ओवरलैपिंग से दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम इन दोनों ऑर्बिटलों के बीच में ही लिखते हैं, हमेशा बीच में ही बनाते हैं। तो ये हमारी हो गई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इन्हें हम लिख देंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। Li2 मॉलिक्यूल की मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना है ये। तो इस तरीके से इनको भी हम जॉइंट कर देंगे। जब 1s की हो गई, अब हम इसी तरीके से इसमें जो 2s था दोनों मॉलिक्यूल में, तो दोनों मॉलिक्यूल की यहाँ 2s के लिए भी बनाएंगे सेम टाइप से। ये हो गई 2s, सेम टाइप से दूसरी साइड में दूसरे एटम की 2s होगी। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो और इधर भी दूसरे में भी कितना है? 1। अब इनकी भी दो ऑर्बिटल बनेंगी, एक उच्च ऊर्जा वाली ऑर्बिटल, एक निम्न ऊर्जा वाली ऑर्बिटल। इसको भी हम मिला देंगे। तो हमारी इतनी ऑर्बिटलें जो है बनके तैयार हो जाती हैं। तो 1s2 एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल का 1s2 है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी हो गई? दो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमारी कितनी बनेगी? दो। सेम ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर के सेम ऊर्जा के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भी भर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? दो। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इस साइड में भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं हमारे पास? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन को अब इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भरेंगे जिनका नाम है, इसका नाम है सिग्मा 1s ऑर्बिटल
ये क्या है, एंटी सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और जो 2s वाली में है इसमें भी एक सिग्मा 2s ऑर्बिटल, और दूसरी क्या है एंटी सिग्मा 2s ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s ऑर्बिटल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है दो दो चार इलेक्ट्रॉन, चार मॉलिकुलर दो और मॉलिकुलर ऑर्बिटल भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चार। तो पहले भरते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर स्पिन करके, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हमारी 1s ऑर्बिटल फिल हो जाती है तो हम उच्च ऊर्जा लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उच्च ऊर्जा लेवल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन और चार, तो 1s ऑर्बिटल हमारी फिल हो गई। अब हम 2s ऑर्बिटल में आ जाते हैं। 2s ऑर्बिटल में यहाँ पर 2s1 है, इस साइड में भी जो मॉलिक्यूल है उसके भी 2s1 है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी ऑर्बिटल में भी 1s1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक और दो। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो। अब दो इलेक्ट्रॉन को इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भरना है हमें। निम्न ऊर्जा स्तर से शुरू करेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर है हमारा सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में निम्न ऊर्जा स्तर में ही भरेंगे, बट उसका स्पिन नीचे की तरफ होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मॉलिकुलर ऑर्बिटल में फिल कर दिए जाते हैं। फिल करने के बाद अब ये हमारा मॉलिकुलर डायग्राम ऑफ लिथियम एटम का बन के तैयार हो जाता है। और इसके सहायता से हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इजकल टू 1/2 Nb-Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो लिख लेंगे। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम में हमने दो यहाँ पर हैं, दो और दो यहाँ पर हैं, कितने हो गए, चार। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, चार, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल दो हैं, वो भी एंटी सिग्मा 1s में। तो यहाँ पर लिख देंगे दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, दो बचेगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर इजकल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा धनात्मक आया है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वह स्थायी होगा और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो ये लिथियम मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके का होगा, लिथियम मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, यानी यहाँ पर ये फेरा मैग्नेटिक नहीं होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय अणु, लिथियम अणु। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिथियम टू मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा वो भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या हमारे सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, टू। उसके बाद में है एंटी सिग्मा 1s, इसमें के भी कितने हैं, टू इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में है सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में हमारी है एंटी सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लिथियम मॉलिक्यूल का। तो कैसे लगी आपकी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।